श्री मुक्तसर साहिब हल्का लंबी दे दर्जना जिहे पिंड हन जो पिछले समय तो सेम नाल प्रभावित हैं, जिन्हां नूं आबाद करन लई ड्रेना दा निर्माण किया गया सी। ड्रेना दी सफाई समय सिर ना होण ते मीह दा पाणी ओवरफ्लो होण कारण नाल लगदे पिंडां विच सैकड़े एकर फसल नूं खराब कर रहा है, जिस नाल फसल पाणी विच डुब चुकी है। प्रभावित होए पिंडां विच तपा खेड़ा मानिया एक मिनट प्रभावित हुए पिंडा विच तपा खेड़ा मानिया वाला आते होर पिंडा दी जांच करन लई जिला श्री मुक्तसर साहिब दे डिप्टी कमिश्नर सुमित जरंगल वालों दौरा किया गया आते ड्रेन विभाग नूं जल्दी सेम नाले दी सफाई करन दे हुक्म भी जारी किए गए। उधर किसानों का कहना है कि मीह दे कारण हजारां एकड़ झोने दीआं फसलां विच पाणी भर चुका है ते इस तों अलावा कई घरां दा नुकसान भी होया। प्रशासन वालों इस मुश्किल दा एक तों दो दिन तक हल करन दा भरोसा दिता गया। श्री मुक्तसर साहिब दे गिदड़बाहां तों सोनी ढल्लां दी रिपोर्ट। 4-500 किला फतेहपुर मन्नी वाले का चार छपेरा पिंड का जी, ये 10 सालों तो तकरीबन सेम दे विच घिरिया होया है। अगे भी चलो सेम नाला खा लिया जाता ही, ऐतकी सेम नाला खा लिया नहीं गया, पानी उपर तक चढ़िया पाया। 2 उंगला सिर्फ पक्के सेम नाला जितों बनया उतों 2 उंगला सिर्फ कटे, थोड़ी बारिश पै गई ये पिंड सारे टुट के सारा डूब देगा पिंड, तो खलाई नहीं हुई इनकी। कोई किसी प्रशासन अधिकारी को पहुंचा? नहीं, कोई नहीं पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। अज तुसी आए जे मतलब पता लैण वास्ते भी किन्ना कुछ चढ़िया किन्ना कुछ ओ तुहाडे सामने ही। जे लगदा वी इक अद्धी कोई होर बारिश पै जांदी है ते किन्ना क नुकसान हुंदा? बहुत नुकसान हो, सारा पिंड ही डुब जी, फतेहपुर मन्निया सारा बहुत नीवें थां ते पिंड सारा डुब जी। हुण वाली बारिश नाल किन्ने परसेंट मानदे हो नुकसान हो? नुकसान इत्थे वेख लो भी 300-400 किला झोना मरिया पिया, जिंदे च 3-4 फुट 70-75% नुकसान हो गया जी। आ बारिशां करके अपनी सेम नाले दी खलाई ना होण करके, अग्गे खलाई हो जांदी सी कुछ काम सही हो जाता सी, खलाई ना होने करके फसलों का नुकसान तो है ही है जी। कुल मिला के 90% फसल खराब हो चुकी ने। फसलों की छड़ो जिते आप रहना आप भी सेफ नहीं है, ठीक है जी। उत्थे भी अंदर पानी वड़ गया, कई कोठे डिग पे ने, दसो इतने कोई हल नहीं है, किसी ने भी आन के पूछा नहीं, तो वोटा बारी सारे आ जाते हैं। हूँ अपने कोई भी नहीं पहुंचा जी अजे तिकर, कोई हैल्प ली कोई भी सार लैनी कोई भी नहीं आया। बिल्कुल थोड़ी गल ठीक है जी, नुकसान होया है, मतलब 3-4-5 लोग जिहड़े हैगे मलोट विच इहनां दी डैथ हुई है, फैमिली नाल मिले हैगे ते उहनां नूं फाइनैंशियल हैल्प भी कीती है, नाल उहनां दे जो कोई हस्पताल हैगे उहनां दे जिहड़े डॉक्टर्स प्राइवेट डॉक्टर्स हैगे उहनां दे नाल भी टाई अप कीता है कि उहनां दी बिल्कुल बेस्ट ट्रीटमेंट होए ते उहनां नूं कोई भी खर्चा नहीं होवेगा। जो खेतों में पानी खड़ा है, जो नुकसान हो रहा है, वो वास्ते स्पैशल गिरदावरी ऑर्डर कर दिए गए हैं, तो जो किसी की नुकसान होया है उसकी पूरी कंपनसेशन उन्होंने दी जाएगी। नाल इस दे अलावा मेरी एक्शन साहब नाल ते बाकी नाल यही गल हुई है कि एक कोई फंड्स की प्रॉब्लम नहीं हैगी। हाँ, पंचायत इलेक्शन तो पहले इस तरह की गल सी कि नवे काम नहीं शुरू करने, बट मेरी हूँ डायरेक्टर साहब नाल गल हुई है तो उन्होंने सानू परमिशन दे दी है, थोड़े सामने गल हुई है तो ये जो हूँ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम से वो भी हल हो जाएगी, तो कल परसों तो सू कोई प्रॉब्लम नहीं नजर आ। पिंड के लोगों का कहना है कि जो ड्रेन की पहले सफाई हुई होंगी मौके तो इस तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पै सकता? नहीं देखो है ये सच्चाई हैगी, बट ये प्रोसीजर होंगे है, टेंडर होंगे है और टेंडर के बाद काम अलॉट होंगे है, थोड़ी अनटाइमली रेन हैगी, जो टेंडर है कल तो काम सारा स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो जिन्हें भी ड्रेन है साफ हो जाएंगे। पर ड्रेन विभाग के अधिकारियों का कहना भी ना उन्होंने को मशीन हैगी ना कोई उन्होंने को मुलाजिम है, वो आना कहीं कर रहे हैं भी नहीं नहीं नहीं। देखो ये तो फिर एक्शन साहब नाल गल करो, मेरी एक्शन साहब नाल हुणे गल हुई है, थोड़ी पता नहीं किहदे नाल गल हुई है। SDOJ साहब हाँ नहीं फिर तो SDOJ ताही मैं कह रहा मेरी हुणे एक्शन साहब नाल गल हुई है, ये कन्फर्म भी कर सकते हो। और कन्फर्म तो की है जो सच्चाई है सानू साडे सामने ही हैगी, ये कोई डाउट नहीं है कि इस वेले लोगों नू प्रॉब्लम आ रही है, बट एडमिनिस्ट्रेशन ते सरकार दोनों उन्होंने नाल खड़ी है और कोई भी किसी का नुकसान नहीं टॉलरेट किया जाएगा और सारे साडे ऑफिसर्स नू सारे इस वेले फील्ड विच हैगे और जो मौके दे जो पॉसिबल हो सकता है वो सारे जी। ड्रेना के उत्ते मोटर लाइया गई पिछले लंबे समय तो मोटर बंद होने करके भी पानी की बहुत मुश्किल की मुश्किल आ रही है, उही मैं थानू गल कही है कि चालू किया जा रहा है। बिल्कुल जो जिथे भी देखो हूँ ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही कला नहीं है, जिमें इमीजिएटली अगर मान लो कि टाइम लगता है कोई फाइनैशियल अप्रूवल है तो मैं सारे सरपंच यही रिक्वेस्ट किया और वो कर भी रहे कि तुम इमीजिएटली खर्चा कर दो, साढ़े उत्थे जेईस है उन्होंने एंट्री करे बाद असं उन्होंने पैसे दे दें।